हे वेलकम बैक धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस एल डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली मेरे प्यार दोस्त हर एग्ज़ाम के लिए हर इंग्लिश के लिए हर जरूरी चीज़ के लिए हम लोगों को सबसे पहले माइंड में क्या आता है वो कैबलरी वर्ड आता है क्योंकि कुछ भी इस दुनिया में वर्ड के अलावा कुछ है नहीं तो हम लोगों को वर्ड अगर बोलना आ जाएगा तो सेंटेंस भी बोलना आ जाएगा तो मेरे साथ आपको दोहराना है जो मैं बोलूंगा उसको दोहराना है मैं पढ़ाता क्या हूँ कॉन्सेप्ट मैं देता क्या हूँ फैक्ट यानी फैक्ट हो गया वोकेबलरी उसको सेंटेंस मिला दो कॉन्सेप्ट हो गया तो मेरे साथ बोलिए दोहराइए और आज अभी पचास वर्ड याद करिए ताकि आपको अंग्रेजी सीख ने में आसानी हो बहुत ही बेसिक वर्ड मैं दे रहा हूं आपके साथ चलने के लिए सिखाने के लिए पहला वर्ड है हम लोगों का हॉलो होलो का मतलब होता है खोखला वर्ड एक्चुअली क्या होता है ना कि आप एप्पल याद कैसे करते हो इसलिए याद करते हो कि एप्पल का इमेज आ जाता है तो जब कोई चीज याद करो उसका इमेज दिमाग में आ जाए तो वर्ड आपको याद हो जाएगा एप्पल कहते ही एप्पल गोल गोल रेड रेड्स आ जाता है उसी प्रकार होलो खोखला ये देखो ना खोखला है बिल्कुल आर पार है ये खोखला है ये सुराख है यहां से यहां तक तो इस आर पार खोखले को हम लोग जो हैं, बोलते हैं, हो गया, हो गया, ये यूज है खोखला है है तो ये वर्ड को ना, इमेज को ना इमेज, के मैं सिखाने का प्रयास इमेज के से, सब सीख जाए अंग्रेजी तो हॉलो का मतलब खोखला बिल्कुल खोखला है, है बिल्कुल आर पार है तो उसको हम लोग हॉलो बोलते हैं अगला शब्द कहता है मैजेस्टिक मैजेस्टिक कहते हैं आलिशान को मैजेस्टिक है यार यानी आलीशान आलीशान मतलब भव्य है बिल्कुल आलीशान है है बोलो ना मेरे साथ बैठा है बोलो मैजेस्टिक बोलो मैजेस्टिक का मतलब आलीशान बिल्कुल मैजेस्टिक है आलीशान बंगला है आलीशान महल है आलीशान इमारत है आलीशान कार है तो जहाँ भी आली है ना मैजेस्टिक का प्रयोग कर सकते हो देख रहे हो इसमें लोग ऐसे ऐसे रहते हैं तो ये सब क्या है आलिशान है तो जहाँ भी आली हो मैजेस्टिक का प्रयोग करते हैं तो मैजेस्टिक जहाँ भी होगा उसे हम लोग आली का प्रयोग करते हैं। अगला करता है वैलियोर। वैलियोर कहते हैं को देखो, देखो इसकी, आपको याद भी हो जाए बिल्कुल वैलियोर वैलियोर मतलब बिर्ता, बिर्ता है, है, फोटो वाला कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में कहीं भी दिक्कत ना आए तो बिल्कुल वेल्योर मतलब वीरता जोश अंदर से जोश है वीरता है तो बोलो ना मेरे साथ वेल्योर 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 मतलब वीरता फोटो के साथ देखो तुम बिल्कुल वीरता से आगे बढ़ता जा रहा है ठीक है नेक्स्ट बर्ड हम लोगों का है नेक्स्ट क्या कहता है भाई तो बोलता है थ्रोनिंग थ्रोनिंग का मतलब होता है भीड़ लगाना थ्रोनिंग मतलब भीड़ लगाना तो कितने भीड़ है कोरोना काल में इतना भीड़ उचित नहीं है तो थ्रोनिंग का मतलब होता है भीड़ लगाना जमावड़ा लेना थ्रोनिंग कहते हैं भीड़ भाड़ देख पा रहे हो सब भीड़ भाड़ है बिल्कुल भीड़ भाड़ को हम लोग क्या बोलते हैं थ्रोनिंग बोलते हैं तो दुराते रहना भीड़ लगाना भीड़ लगाना को थ्रोनिंग कहते हैं अगला वर्ड है कर्स कर्स कहते हैं अभी सांप को श्राप मिल गया कर्स अब देखो इस बच्चे को श्राप दे दिया है ना कोई व्यक्ति को राजा पहले के आप देखते होंगे रामायण महाभारत तो लोग साप भी देते थे आशीर्वाद भी देते थे तो आशीर्वाद यानी ब्लेस कर्स और विश यानी ब्लेस भी मिलता था कर्स मिलता था तो कर्स का मतलब श्राप श्राप मिलने को हम लोग कर्स बोलते हैं कर्स मतलब अभिशाप किसी को श्राप मिलता हो अभिशाप मिलता हो उसे कर्स कहते हैं कर्स मतलब क्या हुआ अभिशाप अब चलते हैं अगले शब्द में अगला शब्द क्या कहता है बेटा वो ध्यान रखिए अगला शब्द कहता है हम लोगों का हेस्ट हेस्ट का मतलब होता है डकैती हेस्ट मतलब डकैती देखो डकैती कर रहा सब लोग लूटने का प्रयास कर रहा है तो डकैती हो गया लूट खरोश कर रहा है तो डकैती हो गया तो जहां भी डकैती का मामला हो लूट हो खरोस्ट तो हो उसको हेस्ट कहते हैं डकैती कर रहा है डकैती बिल्कुल ही जो है हर चीज को लूट ले रहा है डकैत है सब लोग तो लूटने का प्रयास जो कर रहा है हेस्ट कहलाता है तो ये क्या लूट डकैती को हेस्ट बोलते हैं अगला शब्द हम लोगों का कहता है वो बोलता है इंजीनियस इंजीनियस कहते हैं चतुर को ये देखो सारा दिमाग इसका जो है इंजीनियस है बिल्कुल ही नट सब खुल रहे हैं इसके यानी जीनियस मतलब जीनियस है चतुर है चालाक है ये जीनियस है जीनियस कहते हैं चतुर को जीनियस कहते हैं चालाक को जीनियस कहते हैं विद्वान को तो जीनियस है विद्वान है बुद्धिमान है चतुर है चालाक है जीनियस है तो जीनियस चतुर है चालाक है जीनियस तो जीनियस कहते हैं इस तरह के वर्ड को अगला वर्ड है एंबिट एंबिट का मतलब सीमा सीमा किसी का एंबिट है तो तरह तरह के वर्ड है बाउंड्री सीमा तो ये जो बाउंड्री है सीमा है इस सीमा को हम लोग एंबिट भी कहते हैं है ना इसको हम लोग सीमा को एम्बिट भी कहते हैं तो क्या हो भाई एमबिट है तो एमबिट मतलब सीमा दुराव मेरे साथ तब याद होगा एम्बिट मतलब सीमा बाउंड्री लाइन को एम्बिट कहते हैं सीमा को एम्बिट कहते हैं नेक्स्ट हम का का है है वो क्या है भाई प्रॉल। प्रॉल मतलब छिप कर जाना कोई कहीं छिप करके जा रहा है बिल्कुल छिपा हुआ है प्रॉल कहलाता है तो प्रॉल का मतलब छिप करके जाना बिल्कुल ही लुक छिप कर जाना को प्रॉल कहते हैं ये वर्ड ना थोड़ा सा अलग सा है आपको याद करना पड़ेगा मेरे साथ दोनों पड़ेगा फोटो के साथ लिंक पड़ेगा प्रॉल के देखो के काम कर रहा थोड़े से तोड़ा तो क्या है छिप करके चिप करके कोई काम करने को प्रॉल बोलते हैं सब चोर है चिप करके काम कर रहा है तो बोलो मेरे साथ प्रॉल धुराओ मतलब छिप करके जाना प्रॉल छिप करके जाने को प्रॉल कहते हैं अगला वर्ड कहता है क्या है वोरासियस बड़ा ही वोरासियस है बिल्कुल क्या है भाई लालची है वोरासियस का मतलब लालची वोरासियस किसी चीज को पाने की भूख है ना तो वोरासियस है देखो बिल्कुल ही वोरासियस है लालची है किसी चीज को पाने की ज़्यादा भूख है तो वोरासियस कहलाता है वोरासियस बोलो बहुत अच्छा हो सारे पता क्या है ये सारे वर्ड एग्जाम में आएंगे ये वोरासियस वर्ड एग्जाम के रिलेटेड वर्ड है ये सारा परीक्षा में आएगा ही आएगा तो इसको जरूर याद रखो इस चीज़ को अगला वर्ड ऐप आ गया तो ये हम लोगों का ऐप है जिसे आपको डाउनलोड करना है कहां से नेट से कहां से गूगल प्ले स्टोर से वहां पर जाएंगे डाउनलोड करिए इससे बढ़िया अब तक इतिहास में कोई ऐप नहीं है ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन फोटो फोटो वाला ऐप ये लगा होगा इसको आपने डाउनलोड कर लिया क्लासिक क्लास है वो कैप पढ़ना हो क्लास करना हो सिनोनिम्स हो हो वन वर्ड्स हो स्पोकन हो कुछ भी करना हो ये इस ऐप में सब कुछ है सारा लाइव क्लास मिलेगा आपको तो इस ऐप के माध्यम से आप सीख सकते हैं अपना क्लास ले सकते हैं प्ले स्टोर से फ्री में फ्री में डाउनलोड है कोई पैसा नहीं लेगा चार्ज नहीं लेगा इसके बाद स्नोर स्नोर का मतलब खराटे लेना अब देखो ये खराटे ले रहा है अब इसकी हालत ख़राब है ये इसका पति है इसकी पत्नी है अब इस स्नोर खराटे यहाँ से ले रहा है अब खराटे में क्या है कि इस बेचारी को नींद नहीं आ रहा होगा तो स्नोर मतलब खराटे लेना ये बड़ा ही जो है ऐसा होता है कि, कि किसी व्यक्ति खराटे का लेता हो अब बगल में कोई सोया हो तो समझो कि उसको नींद खराब हो गया तो स्नोर का मतलब खराटे लेना मेरे साथ भी एक बार हुआ था और इतने में बीच में सो गया दोनों साइड से लोग खर्र खर्र मार रहे हैं और गजब का होता है इतनी इतना गंदा होता है कि मैं कान बंद करके पड़ा रहा लेकिन नींद रात भर नहीं आई तो क्या होता है स्नोर मतलब खर्राटे लेना खर्राटा बड़े तेज का किस्म का होता है पता नहीं मुझे तो बड़ा डर लगता है खराटे से है मोलिस्ट मोलिस्ट का मतलब होता है उत्पीड़न है ना आपने सुना होगा विमेन मोलिस्टेशन यानी महिलाओं का उत्पीड़न तो उत्पीड़ित करना मोलिस्टेशन कहलाता है उत्पीड़न होना किसी को उत्पीड़ित करते हो तो मोलिस्ट कहलाता है मोलिस्टेशन होता है उत्पीड़ित करना किसी को विपरीत कर देने को मोलेस्ट कहते हैं मोलेस्टेशन उत्पीड़न तो बोलो ना बड़े डेली उस वर्ड एग्जाम में पूछता है ये भी आपको याद रखना है अगला वर्ड है डिमोलिश डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त गिरा देना देखो डिमोलिश हो गया बिल्कुल ही गिर गया तो डिमोलिश का मतलब होता है जैसे गिराया जा रहा है है ना तो क्या हो डिमोलिश मतलब ध्वस्त कर देना गिरा देना डिमोलिशन उत्पी मतलब बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया डिमोलिश हो गया अगला बैठे बून बून कहते हैं बरदान को देखो भगवान शिव आए हैं इसे बरदान दे रहे हैं बून का मतलब बरदान देना आशीर्वाद देने को बून कहते हैं बून मतलब बरदान आशीर्वाद जाओ बेटा सफल हो जाओ भगवान शिव आशीर्वाद देते, है, देते हैं बून देते हैं बरदान बोलो हो बून मतलब बरदान फोटो बनाया हूं आपके लिए ताकि आप याद कर सको अगला बढ़े पैम्पर नहीं बोलते हो पैंपर करो लाड़ प्यार करो छोटे बच्चे को पैंपरिंग करते हैं बेटा बेटा चूमते हैं कभी कुत्ते को पैम्पर करते हैं तो किसी को लाड़ प्यार देते हैं सहलाते हैं उसको पैम्पर कहते हैं पैंपरिंग करना यानी लाड़ प्यार करना सहलाना को पैम्पर कहते हैं बहुत बढ़िया शब्द है ना बड़ी डेरी यूज में काम करता है ये वर्ड पता क्या है आप वर्ड का यूज करो अंग्रेजी बोलने वर्ड बोलो तो पैम्परिंग करते हैं लाड़ प्यार सहलाते हैं पैंपर करते हैं हम लोग दूसरा वर्ड कहता है स्ट्राइक भाई देखो हड़ताल तो हो गया स्ट्राइक तो हो गया हड़ताल हो गया बिल्कुल ऑन स्ट्राइक पे सब लोग हैं सब लोग घूम रहे हैं स्ट्राइक पे सब लोग हैं बिल्कुल स्ट्राइक हो रहा है देख रहे हो सब लोग तो स्ट्राइक पे हैं है ना अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो रहा है इसलिए हड़ताल पे हैं स्ट्राइक पे सब लोग हैं स्ट्राइक कर रहे हैं सब लोग बहुत बढ़िया देख ना अब देखो यहाँ बहुत बढ़िया वर्ड है क्लेमेंसी कहते हैं दया को बहुत अच्छा वर्ड क्लेमेंसी दया अब इशू है किस ईसा मसीह है ये बच्चे पर दया कर रहे हैं क्लेमेंसी दया तो दया के भाव को क्लेमेंसी कहते हैं बहुत ही सुंदर शब्द है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बच्चे इसमें डेली यूज में प्रयोग करते हैं क्लेमेंसी मतलब दया क्लेमेंसी है दया के पात्र मत बनो क्लेमेंसी मतलब दया अगला शब्द है अपॉइंट अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना सैरो जी आपका नियुक्ति हो गया अपॉइंटमेंट मिल गया नियुक्त हो गया ये सब तो आता होगा आपको अगला शब्द है ये बर्ड है कोलेबोरेशन कोलेबरेशन कहते हैं देखो पुल का निर्माण हो रहा है कोलेब्रेशन इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा कोलेबोरेशन हो जाएगा कोलेबरेशन कहते हैं सहयोग को कोलेबरेट हो गया एक साथ सहयोग में मिल गए कोलेबरेट कोलेबरेशन सहयोग एक साथ मिलने को कोलेबरेशन कहते हैं तो कोलेबरेशन मतलब सहयोग गैम्बिट कहते हैं चाल को गैम्बिट चाल अब कौन सा चाल चल रहा है गैम्बिट है कौन सा चाल चल रहा है कौन सा आदमी किसके खिलाफ कैसा चाल चल रहा है गैम्बिट गैम्बिट मतलब पहली चाल यानी कौन सा चाल चल रहा है गैम्बिट कहलाता बोलो मेरे साथ बैठे मत रहो गैम्बिट बोलो गैम्बिट चाल तो गैम्बिट का मतलब होता है चाल अगला वर्ड है इनेट इनेट का मतलब होता है जन्मजात इनेट जन्मजात विद्वान है ये जन्मजात है देखो लड़का जो है जन्मजात विद्वान है ये लड़का जो है ना जन्म जात जो है विद्वान है ये जन्म से ही विद्वान है ये दोनों जो है जन्म से ही बुद्धिमान है जन्म से ही है ना ये गैम्बिट है जो है नेट है ये नेट बचपन से ही विद्वान है है ना अगला वर्ड है सूद द का मतलब होता है शांत करना गुस्से में आ गई है भैया शांत हो जा तो इग, सूद का मतलब शांत करना शुद्ध हो जा शांत हो जा गुस्से में आ गई शांत हो जा शुद शुद का मतलब होता है शांत करना जियो पार्डी खतरा जियो पार्टी मतलब डेंजर बोलो मेरे साथ जियो पार्टी धुराओ जियो पार जितना बार मुंह खोलोगे मेरे साथ शर्म ना करो मैं शर्म कर रहा हूँ क्या तुम भी शर्म मत करो तो जियो पार खतरा जियो पार खतरा बोलते रहो तब याद होगा अगला बर्ड कहते हैं कठोर को बिल्कुल अस्टर्न है अस्टर्न डिसीजन है सख्त डिसीजन है अस्टर्न कहते हैं कठोर को अब देखिए कॉन्ट्रैप्शन बहुत अच्छा वर्ड है कॉन्ट्रैप्शन कहते हैं मशीन को कॉन्ट्रैप्शन मशीन मशीन अपने आप मशीन है कॉन्ट्रैप्शन वर्ड नया वर्ड मिल गया तो कॉन्ट्रैप्शन मशीन को कॉन्ट्रैप्शन धुराओ कॉन्ट्रैप्शन लिख लो एग्जाम में आएगा है ना आकोलेट आकोलेट कहते हैं सम्मान को ये सब सम्मान मिलता है ये सब सम्मान है तो एक्कोलेट कहते हैं किसी को आप प्राइज देते हो किसी को आप जो है कोई भी प्राइज पुरस्कार देते हो आक कहलाता है तो एक्कोलेट कहते हैं सम्मान किसी को रिवार्ड और अवार्ड देते हो आकोलेट

क्वेश कहलाता है केस क्वेश हो गया क्वेश मतलब मिटा देना हटा देना वाइप यहां देखो विप विप का मतलब एहसास किसी को विप करते हो एहसास करते हो महसूस करते हो इससे स्मेलिंग महसूस हो रहा है यह वीप कहलाता है वीप मतलब महसूस करना एहसास होना किसी चीज़ का एहसास होना किसी का दिया हुआ गिफ्ट एहसास होता है तो उसे विप कहते हैं अगला वर्ड हम लोग का है प्रोक्लेमेशन प्रोक्लेमेशन कहते हैं घोषणा को घोषणा पद प्रोक्लेमेशन हो गया प्रोक्लेमेशन घोषणा बोलो प्रोक्लेमेशन 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 घोषणा हो रहा है यहां से यहां से घोषणा कितना हो रहा है प्रोक्लेम्स कहलाता है इनफ्रिंजमेंट इनफ्रिंजमेंट कहते हैं उल्लंघन को किसी चीज को इनफ्रिंजमेंट करते हो उल्लंघन करते हो कोरोना काल में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज इनफ्रिंज कर देते हैं इनफ्रिंज इनफ्रिंजमेंट नाउन बन गया इनफ्रिंजमेंट कहते हैं उल्लंघन किसी चीज का उल्लंघन हो रहा है इंटरफेयर तो पता ही होगा सबको दखल देना इंटरवेन करना इंटरफेयर interfere करना इंटरफ्रेंस तो सब एक ही वर्ड है तो इंटरफेयर दखल अंदाजी करना बीच में आना भी कहते हैं बीच में आगे इंटरफेयर मत करो इन बातों को है ना अगला वर्ड है वान यान कहते हैं उबासी हाँ। करते हो ना उसको यानिंग कहते उबासी देखो ले रहा है लड़का ये देखो यानिंग कर रहा है क्या है उबासी है उबास अंदर से आ, वासी लेने को यानिंग कहते हैं बहुत अच्छा वर्ड है याद आ जाएगा है ना वेल मैनर्ड है तमीजदार वेल मैनर्ड मतलब सभ्य कह सकते हैं आप यानी वेल मैनर्ड है सभ्य है बिल्कुल वेल मैनर्ड है तरीके से रहने वाला है वर्ब वर्ब कहते हैं डकार लेने खाना खाया आओ। तो क्या होता है डकार लेने को वर्फ कहते हैं बड़ा मजेदार वर्ड है, है वर्फ मतलब डकार लेना अंदर से डकार ले रहा है वर्फ कहलाता है अगला वर्ड है वर्दी किस चीज के वर्दी हो योग्य हो इसके वर्दी हो तुम मतलब इसके योग्य हो वर्दी योग्य ठीक है अगला वर्ड है उन लोगों का होली होली कहते हैं पवित्र को बिल्कुल ही भागवत गीता कैसा है पवित्र किताब है होली बुक है पवित्र है तो उसको हम लोग होली बोलते हैं अगला वर्ड है माइटी माइटी शक्तिमान तो आप लोगों ने मूवी देखा होगा मुकेश खन्ना का तो क्या है माइटी है शक्तिमान है माइटी है ना इस तरह से आप याद कर लोगे अब देखो इनसी <laughs> कहते हैं कपटी को अब देखो ये आपने देखा सब कपटी हैं हैं सब है, ये सब धोखेबाज ये जो क्या है भाई कपटी हैं हैं सब धोखेबाज है। तो आपने देखा होगा डिवस कपटी धोखेबाज को कहते हैं तो ये वर्ड आपको याद हो क्या होगा ये वर्ड याद नहीं हो दोहरा सकते हो अपने पास सेफ रख सकते हो सेफ रख सकते हो सब आपको याद हो जाएगा तरीके से फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में आप क्या करो आप हमेशा ऐप डाउनलोड करो कोई दिक्कत हो कॉल करो मुझे बात करो फिर मिलते हैं कल आपसे थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू आइए दोस्तों जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें आपके फोन में एक ओटीपी आया होगा उसे एंटर करें अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप आप पर आपका स्वागत है वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप ऐप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम डी एस एल पर मेल कर सकते हैं या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं